एक बार दो भरा सी, एक दा नाम सी जो ते एक दा नाम सी वो। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, शक्ल देख के दिल करता है जहर दे के मार दूं। हस्बैंड कहंदा वाइफ गलत है, वाइफ कहंदी हस्बैंड गलत है, आखिर गलत है कौन? रिश्ते वाली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आजकल कोई एक्टर हो, सिंगर हो, कोई टीचर हो, कुछ भी हो, डॉक्टर इवन, हर कोई टिकटॉक का शौकीन है और हर बंदा अपनी टिकटॉक पे वीडियो ज़रूर कोई ना कोई बना रहा होता है। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं अली खान और असद खान, जो कि बाय प्रोफेशन एक मॉडल भी हैं, एक सिंगर भी हैं और टिकटॉक वीडियोस भी बनाते हैं। अली और असद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने के लिए। मुझे बताइए कि टिकटॉक को तो आजकल एक बीमारी समझा जाता है, आप लोगों को ये बीमारी कब और कैसे लगी? अस्सलाम वालेकुम। ये बीमारी में एक्चुअली मुब्तला करने वाली हमारी एक हमारी सना आपा, वो एक्चुअली वो टिकटॉक्स बनाती थी और काफ़ी फ़नी कॉन्टेंट और फैमिली कॉन्टेंट थे उनके, सो उनको देख के मुझे भी शौक आता था, मुझे भी करना चाहिए। और बाकी ऐसे हम लोग करते हैं, प्रोफेशनली भी काम करते हैं, लेकिन इस टिकटॉक से ये फ़ायदा आपको होता है कि आप डोर टू डोर स्टेप, हर स्टेप पे आप पहुंच जाते हैं, इवन के बच्चों के हाथों में और बूढ़ों के हाथों में, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सो आपको बाय फेस पहचान लेते हैं। पहले जब मैं मॉडलिंग करता था या मैंने फैशन शूट्स किए, मैंने रैम बॉक्स की, उस वक्त मुझे कोई शायद इतने लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन जब से मैं टिकटॉक स्टार्ट किया है और अक्सर मैं गुजरता हूँ, ये तो वही अंकल है, टिकटॉक वाले अंकल है, टिकटॉक वाले अंकल, बच्चे भी और अक्सर लोग रोक के सेल्फीज़ भी लेते हैं, जबकि मॉडलिंग में मुझे कभी किसी ने नहीं पहचाना था इस तरह। आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? मुझे शौक असल में किसी भी काम के लिए, आप कोई भी किसी भी फील्ड में जाते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप उसको नेगेटिव वे से चलते हैं उसमें या पॉजिटिव उसमें उसका जो है आपको, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि टिकटॉक एक ऐसी पब्लिसिटी है कि जो बाय प्रोफेशन मैं भी इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मुझे आई थिंक कि टिकटॉक में आने के बाद ही शायद अपने फील्ड में भी, काम में भी और हर तरह से मुझे क्या कहते हैं एडवांटेज हुआ और लोग जानना शुरू हुआ। और लोगों का असल में सबसे ज़रूरी है लोगों को आपको जानना, अगर जब आपको लोग जानते हैं तो सब कुछ आपके कहते हैं। और मैंने एक नियत ही, आप किसी भी काम में अगर कोई भी काम अच्छी नीयत से करते हैं और वो अच्छा काम है तो फिर क्या कहते हैं आप उसमें लाजमी कामयाब होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें एक ऐसी टीम मिली सना आपा, जिन्होंने हमें क्या कहते हैं, एक तो ये वो बहुत हार्ड वर्कर हैं और कई दफ़ा गिरी हैं, कई दफ़ा उन्होंने हमें क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी और बड़ा अच्छा हमें क्या कहते हैं, उनके कॉन्टेंट बड़े अच्छे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि हमें उन जैसी टीम मिली। जब कॉन्टेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं टिकटॉक वीडियोज़ के लिए तो आप क्या चीज़ अपने माइंड में रखते हैं? सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि उसमें कोई मैसेज हो, और ख़ास तौर पे हमारे ज़्यादा फ़नी कंटेंट होते हैं क्योंकि अक्सर जो जिस तरह कोरोना का दौर चल रहा है और लोग वैसे ही कुछ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हर तरह से लोग परेशान अपसेट रहते हैं, तो हमारी कोशिश होती है लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना, और सबसे पहले हम ये देखते हैं और हमारी कोशिश होती है उसमें कोई मैसेज हो, वल्गैरिटी ना हो और कुछ अच्छा मैसेज डिलीवर करें, चाहे वो फ़नी वे से हो या किसी भी तरीके से। सो हमारा मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है लोगों को हंसाना। आप दोनों भाई हैं, आप में से छोटा कौन है, बड़ा कौन है? अच्छा, ये अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, ये वैसे आपने बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, ये आवाम पे आप छोड़ दें, ये बल्कि ऑडियंस पे छोड़ें कि वो हमें इस चीज़ पे, बल्कि मैं वो भी हमें पता बताएं कि वो ये हमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्वेश्चन मार्क छोड़ दें हम उन पे कि हमें कमेंट सेक्शन में बताएं इन दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है आपको और छोटा कौन लग रहा है। असद खान बड़े हैं या अली खान ज़्यादा बड़े हैं, ये आप पे क्या कहते हैं छोड़ देते हैं हम लोग। कितने फॉलोअर्स हैं आप लोगों के? एक्चुअली मैंने अभी टिकटॉक जो है हमारा, ये रिसेंटली मैंने ऐप डाउनलोड किया है और मैं पहले टिकटॉक यूज़र नहीं था और उम्मीद है कि अब ये इंशाल्लाह लोग लाइक करेंगे। बाकी बेसिकली हमारा मेन जो आईडी हमारी सना आपा है और हम उसी को रन करते हैं और हमारा सारा फोकस, हमारा सारा कोशिश होती है उसको हम लोग स्टैंड रखें। वैसे भी जो है आजकल, जैसे आप किसी लड़की की उम्र नहीं ना पूछ सकते, इसी तरह सेम लाइक आप टिकटॉक का हिसाब हो चुका है, तो लोग जो हैं इस चीज़ को फॉलोअर्स और वो जो है वो अपनी एज की तरह छुपाते हैं, तो ये इंशाल्लाह क्या कहते हैं, अभी सना आपा के साथ स्टार्टिंग है हमारी
और हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है उनके साथ काम करके, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो बहुत कामयाब हैं और माशाल्लाह होंगी और उनके साथ हैं हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। यानी अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप लोगों का फेवरेट टिकटॉकर कौन है, तो आप दोनों का एक ही जवाब होगा, सना आपा। जी ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल सना आपा का बेसिकली उनके जो उनके एक्सप्रेशंस, उनका स्टाइल, और आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि उनको कितनी दुआएं और कितने प्यारे कमेंट्स आते हैं, और हमें भी कमेंट्स आते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसे आते हैं कि हमें कमेंट सेक्शन ब्लॉक करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप ऐसी चीज़ बनाएं, ऐसी चीज़ लोगों को दिखाएं कि जिससे लोग सैड ना हो, या लोग जो सब ऑल ओवर कोरोना के जो हालात और जो सिचुएशन चल रही है, तो उसमें आपा के कंटेंट कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को खुशी मिलती है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों को खुशी देते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये हमें आपा में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है, लोगों के साथ मुस्कुराहट लेके आना, मुस्कुराहट ला रही हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ है आज के दौर में। मेल टिकटॉकर्स की फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत होती है, कभी कोई ऐसी फैन मिली हो जो आप लोगों के पीछे पागल हो गई हो? ऑब्वियसली लाइफ है, दुनिया चलता है, हो जाता है समटाइम, लेकिन अगर आप अपने प्रोफेशन को पहले देखें तो वो ज़्यादा बेटर होता। सो मैं तो अभी फ़िलहाल अपने प्रोफेशन को देख रहा हूँ, अपने आप को लोगों की नज़र में लाना चाहता हूँ, ये देखेंगे, इस बारे में भी सोचेंगे। मायने नहीं रखती, अगर आप क्या कहते हैं कामयाब हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए बड़ी कोई मायने नहीं रखती। मतलब आप दोनों कहना चाह रहे हैं कि लड़कियाँ दूर दूर रहें हमसे, पास ना आए? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस कहने का मकसद है कि पहले जाहिर है ऑब्वियसली अपना फ्यूचर, देन उसके बाद इन सब। एग्जैक्टली, इसमें तो बहुत कुछ आपकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, अभी आप देखें ना, अभी तो अभी एज भी क्या है, अभी तो हम जवान हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरा सॉन्ग आया है तेरे नाल रहना, आप यूट्यूब पे जाएं सर्च कीजिए, हाईटेक की तरफ से ये अपलोड हुआ है, सो उम्मीद करता हूँ आप देखेंगे, बहुत अच्छा सॉन्ग है। ये सलमान अकबर इसके सिंगर हैं, और आपको लगेगा कि आप वाकई ही कोई बॉलीवुड से अपर लेवल की आप कोई सॉन्ग देख रहे हैं, और इट्स रियली आउटस्टैंडिंग, बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत हुई है, और उसको ज़रूर देखिएगा। और मेरा नेक्स्ट सॉन्ग एक और आने वाला है, गड्डी, सो उसको भी ज़रूर आप अप्रिशिएट कीजिएगा। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमें गुनगुना के सुनाइए। नॉट येट, नॉट येट। गुनगुनाने वाला डिपार्टमेंट जो है वो है सलमान अकबर, तो वो इस वक्त कहते हैं अगर होते तो लाजमी क्या कहते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह, जब मेरे में इंशाल्लाह आपको लाजमी सुनाएंगे, और क्या कहते हैं आप न्यू एल्बम भी इंशाल्लाह देखिएगा और बताइएगा कैसी है, तेरे नाल रहना भी आप देखिए लाजमी, और इसको क्या कहते हैं लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन दोनों की बातें बहुत पसंद आई होंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन लोगों का जो नया गाना आ रहा है आप लोग वो ज़रूर सुनेंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।